ओम श्री साई राम। भगवान श्री सत्य साई बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सभी को मेरा प्यार भरा साई राम। आज सारे जगत में ईश्वरम्मा दिवस मनाया जा रहा है।
ईश्वर अम्मा स्वामी की चुनी हुई माँ थी। भगवान श्री सत्य साई बाबा की माँ माँ ईश्वर अम्मा के जीवन का उत्सव 6 मई 1977 को उनकी पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में बाल दिवस के रूप में शुरू हुआ। सत्य साई बाबा ने असंख्य बार कहा है कि माँ मनुष्य की पहली उपासक गुरु है। माँ ईश्वर अम्मा एक आदर्श माँ का उदाहरण है। 6 मई को ईश्वर अम्मा का जीवन दुनिया भर में उनके अनुकरणीय जीवन को याद करके जरूरतमंदों के लिए निस्वार्थ सेवा करने और भगवान की महिमा का गान करते हुए मनाया जाता है। एक माँ के रूप में सभी के लिए उनका प्यार शुद्ध और बिना शर्त था। यह मुख्य रूप से स्वामी की शिक्षाओं और अनुग्रह के माध्यम से था कि वह अपने प्यार को बढ़ाने और गहरा करने में के काम में सफल रही। जैसे जैसे समय बीतता गया वह दुनिया भर के भक्तों के दिव्य अनुभवों की एक उत्साही श्रोता बन गई। वह बच्चों से प्यार करती थी और इसीलिए स्वाभाविक रूप से वे उसके चारों ओर झुंड में रहते। कहानी कहने में व्यस्त होने पर वह अपनी शारीरिक बीमारियों को भूल जाती। स्वामी कहते हैं, आज लोग चाहते हैं कि केवल उनका परिवार और बच्चे खुश रहे। ईश्वरम्मा ऐसी नहीं थी। माँ ईश्वरम्मा का मन व्यापक था। वह चाहती थी कि हर कोई खुश रहे। भले ही वह शिक्षित नहीं थी लेकिन उसने सभी को महान गुण सिखाए। एक बार माँ ईश्वरम्मा ने देखा एक बुढ़िया पानी से भरे बर्तन को उठाकर ले जा रही है। माँ ईश्वरम्मा ने पूछा, माँ क्या आपको इस बर्तन को ले जाने में कोई कठिनाई हो रही है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ माँ, मैं इस बर्तन को इतनी दूर ले जाने में असमर्थ हूँ, लेकिन इसमें मेरी मदद करने को कोई नहीं है। मुझे खुद हर रोज इतनी दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। यह सुनकर माँ ईश्वरम्मा को बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने देखा कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए और लोगों को अस्पताल में उपचार के लिए बुक्कापट्टनम का लंबा सफर करना पड़ता था। इन तीन समस्याओं ने ईश्वरम्मा के दिमाग पर एक छाप छोड़ दी। उन्होंने एक दिन स्वामी से विनती की, स्वामी हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उन्हें बुक्कापट्टनम का लंबा सफर तय करके जाना पड़ता है। मैं उनका दुख देखने में असमर्थ हूँ। कृपया आप हमारे गांव में छोटा सा अस्पताल का निर्माण करें। स्वामी ने उनसे वादा किया और पुट्टपर्ती में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना हुई। माँ ईश्वरम्मा ने स्वामी से कहा, स्वामी हमारे गांव में बच्चों को स्कूल जाने के लिए बुक्कापट्टनम तक जाना पड़ता है, आप कृपया बच्चों के लिए एक स्कूल का निर्माण करें। तो स्वामी ने पुट्टपर्ती में विश्वविद्यालय का निर्माण किया। माँ ईश्वरम्मा ने स्वामी से यह भी विनती की कि गांव में सबके लिए पीने का साफ पानी हो। स्वामी ने पूरे अनंतपुरम जिले के लिए स्वच्छ पेयजल प्रदान करके उनकी इच्छा को पूरा किया। ईश्वरम्मा के निधन से पहले स्वामी ने उनकी सभी इच्छाओं को पूरा किया। ईश्वरम्मा विद्वान नहीं थी फिर भी उनका हृदय करुणा से भरा था। यदि इच्छा अच्छी है तो परिणाम बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छी इच्छाएं ईश्वर की इच्छाएं हैं। थोड़ी सी इच्छा बड़ी इच्छा में बदल जाएगी। इसलिए मनुष्य में अच्छी इच्छाओं का उदय होना चाहिए। माँ की छोटी छोटी इच्छाओं ने पूरी दुनिया में विशाल मानवीय परियोजनाओं का मार्ग। जय साई राम।
child sees after his or her birth. This is the reason why a child and a mother have such a special bond between them.
But not all people are fortunate enough to have mother's love in their life due to many reasons. Those who have their mother with them must love and respect her. Mother is not just a first best friend of a child, but also his or her guru, who always supports and guides her children to achieve all the success in life. A great guru is the one who always teaches you what is right and what is wrong. A great guru not only supports you, but also becomes strict with you when required, and we see all these strengths in our mother. Our mother is truly a mentor, as she does not only guide us in every phase of our life, but also supports us whenever we need her. Whenever we make any mistake, she becomes strict with us to make us understand our mistake, but soon she showers her love on us and always supports us in our decision. She helps us in our studies and asks us to be serious about our career. She teaches us both cultural and moral values. There cannot be a better guru than a mother, because she knows what is right for you and always prefers the best. Mother's love is the purest form of love in this world, and mother is the greatest blessing for a child by God. As a child, it is our responsibility to value the sacrifice and effort of our mother, because all she wants is the betterment of her child. We are very fortunate to have a mother in our life, and we must respect our mother. We should give her all the happiness and love, because she deserves all of that in return of her selfless love. Dear friends, thus I would like to conclude the speech with a few words which hold very short when you talk about the sacrifice and love of a mother. A mother is definitely next to a God, or rather above the God. She is the one who teaches us to believe in God and have faith in Him. She is the most adorable, lovable person in this world. Her prayers and good wishes are always there with her children. So friends, we should always love and respect our mother and her thoughts. It is our duty to take care of our parents when they get old, as they did in our childhood. I request you all to love and respect your parents unconditionally and selflessly, and make this world a wonderful place to live. Today, I take the opportunity to thank my mother and be grateful to her and God for having her in my life. Sairam, mera naam Grishma Sakte hai. Aaj main aap sabko meri maa ka mahatva batana chahti hoon. Meri maa ka naam Grishma Sakte hai. वह 45 साल की है। एक माँ की जगह और कोई नहीं ले सकता। वो कभी भी आराम नहीं करती। जब देखो तब लगातार काम करती रहती है। कभी रसोई घर में तो कभी बाहर आंगन में। अगर बच्चों को कुछ हो गया तो तुरंत ही अस्पताल लेके जाती है। माँ ही हमारी पहली अध्यापिका होती है। बचपन में उन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया। वह खुद की चिंता करने से पहले अपने बच्चों की चिंता करती है। माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता है। और यदि माँ न हो तो ये दुनिया सूखा रेगिस्तान के बराबर है। माँ ही ऐसी होती है जो बच्चे की हर स्थिति में बच्चों के साथ रहती है और उसका साथ देती है, राह दिखाती है। माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा चिंतित होती है। माँ के बिना जीवन की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अगर माँ न होती तो हमारा अस्तित्व नहीं न होता। इस दुनिया में माँ शब्द दुनिया का सबसे आसान शब्द है, मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। मेरी माँ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। माँ का आशीर्वाद बच्चों। ओम श्री साई राम। बाबा के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी माँ, माँ वो होती है जो मन की बात को कहने से पहले जान ले, जो हमारी आंखों को अपनी आंखों से देखते ही पहचान ले दर्द है या खुशी, जो हमारी हर हरकत को दूर से ही देखकर जान ले। माँ वो एहसास है जो हर किसी को नहीं मिलता, जिसे मिलता है वो खुशकिस्मत होता है। अगर कोई दुनिया में हमसे बेपनाह प्यार करता है, वो माँ है।
हमारी गलतियों को पापा से छुपाकर हमें पापा की डांट से बचाती है। हमें भूखा न छोड़कर खुद भूखी रह लेती है। हमें दो रोटी खिलाकर खुद आधी रोटी खा लेती है। वो होती है माँ। माँ एक ममता का आंचल है। वो आंचल आने वाले हर तूफान से हमें बचाता है। वो आंचल उस तूफान से हमें लड़ना सिखाता है। दुनिया की हर बुरी नजर से हमें काले टिक्के की तरह बचाता है। मैं क्या तारीफ करूं उस माँ की जिसने मुझे 9 महीने अपनी कोख में रखा। उसने मुझे हर दर्द में संभाला है। अब बस इतना ही कहना चाहूंगी, मेरी दुनिया में जितनी भी शोहरत है वो मेरे माँ के बदौलत है। ओ ऊपर वाले क्या मांगू मैं तुझसे, ओ ऊपर वाले क्या मांगू मैं तुझसे, क्योंकि मेरी माँ मेरी दुनिया की सबसे बड़ी। एवरीबॉडी, टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग ईश्वर अम्मा डे। मदर ईश्वर अम्मा वॉज अ आइडियल मदर ऑफ आवर लॉर्ड साई। शी वॉज टेकिंग लॉट केयर ऑफ अ यंग बाबा। Similarly, our mother also guide and guard us all the time. Future of every child is depend on their mother's direction. It is very essential that character of every child is built up at the young age. So, our dear mother is our first guru. So, I bow and salute to each and every mother of this universe. I offer my humble pranams at the divine lotus feet of our beloved Bhagwan Shri Sat Sai Baba and Sai Ram to all. All that I am or hope to be, I owe to my angel mother. For a child, a mother is everything, and for a mother, her child is a lifeline. Sometimes we as children don't look upon the efforts taken by a mother to raise her kids in the right direction. She always assures her child is safe from the world, regardless thinking of herself. A smile on child's face is only what the mother desires. Now I would like to recite one of my poems written for my mother. Mothers are the God's gift, which gives us a happiness lift. You are lucky if you have one to make ourselves as glorious as sun. She is combined pack of happiness and laughter. She keeps away us from sadness. Mothers are the treasures to help us. My humble pranam at the divine lotus feet of a beloved Bhagwan, Sri Satya Sai Baba, and Sai Ram to all. Mother is our first teacher. The mother is the first teacher of the child, the message she gives that child gives to the world. Mother is the person that cannot be described in words. Mother are life givers. They are the ones who are there to hold our hands. I admire my mother the most because she is my first teacher. Mother teaches moral values from the time when we are in the mother's womb. Once the child is born, the mother is born. Teacher and guide, the Gurudev Mata. She is the primary foundation and first influence, providing the child with security and love. Her authentic and intimate relationships show the child the way to trust. She remains busy all the time, but she spares time for me. My mother supports me in every activity. During the bad times, I always find my mother with me. Mother is next to God, in fact, a visible God. So, only they say, God could not be everywhere and therefore He made mother. My mother is a tree of a family which provides shade to us. My mother's day starts before the sun rises and finishes after the sun sets. A mother feeds us, cares for us and makes us good human beings. I love my mother the most, and she is the greatest mother. Looking into my mother's eyes, it likes looking into the depths of the universe. May her strength, her face, her devotion, her fears, and Om Shri Sai Ram. Mera naam hai Samiksha Vilas Kurhavkar.
आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मदर पर एक छोटी सी स्पीच देना चाहूंगी। बाबा ने कहा है कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसे हर एक बच्चा अपने मुंह से पुकारता है। माँ के बिना हमारे जीवन की कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती। अगर माँ नहीं होती तो हमारे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। मगर इस नाम में भगवान खुद वास करते हैं। माएँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए सबसे ज्यादा चिंता करती हैं। जैसे माँ ईश्वर अम्मा अपने बेटे सत्य के लिए करती थी। माएँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अगर बच्चों को सही आदर सिखाया जाए तो माँ सबसे पहले आगे आती है। माँ अपने बच्चों से तो बहुत ही प्यार करती है, लेकिन अगर बच्चे गलत रास्ते पे चले तो उनके हाथ पे हाथ पकड़कर माँ उनको सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर उससे विवाद ना मरे तो माँ दो हाथ भी लगा सकती है। माएँ ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों के साथ चलती हैं। अगर माँ नहीं होती तो हमारा जीवन बहुत ही मुश्किल होता। माएँ सुबह सुबह उठकर चाय, नाश्ता, खाना पीना सब बनाती हैं, मगर उनकी कोई शिकायत ही नहीं होती। इसलिए माएँ हमारे घर की सरस्वती, लक्ष्मी और अन्नपूर्णा होती हैं। इसलिए हमें भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान श्री साई राम स्वामी च्या चरणी माझा कोटि कोटि प्रणाम आणि तुम्हा सगळ्यांना माझा सप्रेम साई राम। आज 6 मे ईश्वर अम्मा दिवस म्हणून आपण सगळे साजरा करत आहोत। स्वामींची आई ईश्वर अम्मा स्वामींनी आपल्या आयुष्यात आईचे खूप महत्त्व सांगितले आहे, म्हणूनच माझी आई माझ्यासाठी प्रथम गुरु आहे। जशी स्त्री प्रथम गुरु आहे तशी ती प्रथम शिक्षक सुद्धा आहे। माझी आई मला गुरु म्हणून चांगल्या गोष्टी शिकवते व मला चांगले वागायला सांगते। स्वामींनी मला खूप चांगली आई दिली आहे ज्याचा मला अभिमान आहे। त्यांनी आपल्या सर्वांच्या कल्याणासाठी आईचा महिमा सांगितला आहे। साई माता ही आपली सर्वांची आई आहे जी आपली आयुष्यभर काळजी घेते व आपल्याला चांगला मार्ग दाखवते। स्वामींनी आईची आज्ञा पाळायला सांगितली आहे व तिचा मान राखायला सांगितलं आहे। स्वामी म्हणतात तुम्ही तुमच्या आईवर प्रेम करत राहा, ही विश्वमाता साई माता तुमच्यावर प्रेम करेल। म्हणूनच आपण सगळे आपल्या आईशी प्रेमाने वागू आणि साई मातेचा आशीर्वाद मिळवू। जय साई राम। महान गणपती नमो तुते, महान गणपती नमो तुते, महान गणपती नमो तुते, नमोस्तुते।
भवनाशा कैलाश
शिव शंभो हर हर शंभो, पार्वती पते हरे पशुपते, पार्वती पते हरे पशुपते, गंगाधरा शिव गौरी पते, हर गंगाधरा शिव गौरी पते, हर गंगाधरा शिव गौरी पते, हर गंगाधरा शिव गौरी पते, शिव शंभो हर हर शंभो। धन्य हो ईश्वरामा, धन्य हो ईश्वरामा, धन्य हो ईश्वरामा, जग को दीजो लाल बाबा, 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 धन्य हो धन्य हो कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, कलयुग में अवतार लिए, अवतार लिए, सगल चराचर के भगवान, सगल चराचर के भगवान, सगल चराचर के भगवान, सगल चराचर के भगवान, जगतो नारायण साई नारायण, जगतो नारायण जगतो नारायण साई नारायण, धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य हो ईश्वरामा, जग को दियो लाल बाबा, धन्य हो धन्य हो धन्य हो, कलयुग में अवतार लिए, सगल चराचर के भगवान, जगतो नारायण साई नारायण, धन्य हो धन्य हो धन्य हो धन्य हो, धन्य हो हे ईश्वरामा, 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 धन्य हो हे ईश्वरामा।
गुरु नानक जी की जय जयकार 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 जो बोले सो होवे निहार जो बोले सो होवे निहार जो बोले सो होवे निहार अल्लाह साई ले लो सलाम मौला साई ले लो सलाम 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 लाखो सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम येशु पिता प्रभु साई राम 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 बुद्ध जराष्ट्र महावीर नाम बुद्ध जराष्ट्र महावीर नाम सलाम सलाम लाखो सलाम 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 लाखो सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम गुरु नानक जी की जय गुरु नानक जी की जय जयकार सो हो वे निहार जो बोले सो हो वे निहार अल्लाह साई ले लो सलाम मौला साई ले लो सलाम 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 लाखो सलाम येशु पिता प्रभु साई राम येशु पिता प्रभु साई राम बुद्ध जराष्ट्र महावीर नाम बुद्ध जराष्ट्र महावीर नाम सलाम सलाम लाखो सलाम 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 लाखो सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम 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 मेरा सलाम गुरु नानक जी की जय जयकार ओम तत्सत श्री नारायण तू पुरुषोत्तम गुरु तू सिद्ध बोध दो स्कंद विनायक सविता पावक तू सविता पावक तू ब्रह्म तू यह वशति हे सुपिता प्रभु तू रुद्र राम कृष्ण तो रहीमताओ तो वासुदेव गो विश्वरूप तो चिदानंद हरि तो अद्वितीय अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू
जगदीश हरे शशिवदना श्रीकरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आशिष कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपद्मान्धवा ओम जय जगदीश हरे मात पिता गुरुदैव मरियन्तयुनिवे स्वामी मरियन्तयुनिवे नाद ब्रह्म जगन्नाथ नाद ब्रह्म जगन्नाथ नागेन्द्र शरणं ॐ जय जगदीश हरे ओंकार सत्य साई महादेवा मंगल आरती अंबुकु मंगल आरती अंबुकु मन्नर गिरिधारी ओम जय जगदीश हरे नारायण नारायण सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम ओम जय सद्गुरुदेवा नारायण नारायण ओम सत्य नारायण 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 ओम नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम सत्य नारायण नारायण ओम जय सद्गुरुदेवा शांति 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 समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शांति 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 जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय परम पवित्र बाबा विभूति परम विचित्र नीला विभूति परम कृष्ण
इदमाश्रयामि लीलां विभूतिम् इदमा